हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेड बेटल मतलब एक एक्स रेड पास के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप एक रेड बेटल कर सकते हो, जिससे आप म्यूटो को पकड़ सकते हो। तो इसके बारे में जानने के लिए पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब आगे बढ़ते हैं। ये एक्स रेड पास से कुछ मतलब किसी गिने चुने इंसान को ही मिलेगा जिसने अपने लाइफ में कोई पुण्य काम किया हो, जैसे कि मतलब उसने जियो जिम जाके उसे मतलब डिफीट किया हो सारे पोकेमोन को, तो उसे रिवॉर्ड में ये एक्स रेड पास मिलता है। बहुत ही कम ही चांसेस है आपको एक्स रेड पास मिलेगा। अगर आप उन लकी इंसानों में से हैं जिन्हें मिला है तो आप तक तो मिल सकता है एक्स रेड पास की मदद से। आप म्यूटो को हरा सकते हो, उसे पकड़ सकते हो। फिर से म्यूटो पकड़ने का एक और मौका दे दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपको मिला एक्स रेड पास तो ही आप ये कर सकते हो। एक्स रेड पास खाली एक ही तो मिलेगा आपको, एक ही चांस रहेगा उसे पकड़ने का। एक चांस में पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। एक्स रेड पास के ऊपर में लिखा रहेगा जी किस किस वक्त बैटल होने वाला है, और जिम का नाम और लोकेशन भी रहेगा कहाँ बैटल होने वाला है। आप वहाँ जाके बैटल कर सकते हो। तो अकेले बैटल करना पॉसिबल नहीं है, आपको लगभग कम से कम 5 ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनको एक्स रेड पास मिला है, और जाके एकदम हाई स्पीड वाला पोकेमोन लेके जाइए, उन्हें बैटल कीजिए, हराइए, तब आपको एक एक्स रेड पास मिल सकता है। तब म्यूटू पकड़ सकते हैं। म्यूटू पकड़ने के लिए आपको जियो जिम में जाकर बैटल करना होगा, क्योंकि ये खाली स्पॉन्सर जिम में एक्स रेड पास मिल सकता है, और वहीं ये स्पॉन्सर जिम में ही बैटल हो सकता है। स्पॉन्सर जिम इंडिया में खाली जियो की जिम सभी, क्योंकि जियो ने पोकेमोन गो को स्पॉन्सर किया था इंडिया में लॉन्च करने के लिए, तो इसलिए आपको जियो जिम जाके उन्हें बैटल करना होगा। वहाँ जितने पोकेमोन है उनको हराना होगा, फिर आपको रिवॉर्ड मिल सकता है एक्स रेड पास मिलेगा। इससे कोई चांस नहीं, लेकिन मिलने का मतलब थोड़ा सा चांस है, 1% चांस है कि मिल सकता है। जियो जिम में जाके आप बैटल करना है पोकेमोन गो में, वही चीज़ है। इससे तो आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है रिवर्सल। ये पोकेमोन गो का यूट्यूब में वीडियो बनाता है, इसे नैंटिक कंपनी का तरफ से ये यूट्यूबर है, लेकिन इसे अब तक एक रेड पास नहीं मिला, जबकि इसने लगभग 4000 से भी ज़्यादा एक रेड बैटल कर चुका है। बहुत ही हाई लेवल प्लेयर है ये, लेकिन अब तक इसे एक भी रेड पास नहीं मिला। इसलिए पोकेमोन गो से थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है, बोल रहा है मैं ये नहीं खेलना चाहता, मैं एक थोड़ा कुछ देर के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, पोकेमोन के वीडियोस और अपलोड नहीं करने वाला, क्योंकि इससे एक एक्स रेड पास नहीं मिला। इतना मेहनत करने के बाद भी इसे बहुत गुस्सा आया, इसने अपना आर्टिकल इस पेज में लिखा है। अगर सोचिए इस नियांटिक से अच्छा अगर सुपर सेल को दिया जाता ये पोकेमोन का राइट्स, तो कितना अच्छा एक क्लैश रॉयल जैसा पोकेमोन का गेम बनाता है, जिसमें पोकेमोन के साथ हम बैटल कर सकते हैं, आपस में प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल भी रहता है, ट्रेडिंग फीचर सारे फीचर रहते हैं। ये क्या पता क्या सोच के नाइंटेंडो ने नियांटिक को ये पोकेमोन का राइट्स दिया है। लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, अभी तक ये गेम बन ही रहा है, ना कोई प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल, ना कोई ट्रेडिंग फीचर, ना ही कोई अच्छा अपडेट, बस ट्रेड बैटल का फीचर दिया गया और कुछ नए पोकेमोन को बढ़ाया गया, नया जनरेशन ऐड हुआ, और कुछ हमें अब तक नहीं मिला। पता नहीं इस गेम को खेलने का मुझे मन भी नहीं करता। मैं इस गेम पोकेमोन गो के ऊपर बहुत ही कम वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं खेल खेल के बोर हो चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार कर करके मैं भी बोर हो चुका हूँ। अब मुझे इस गेम को खेलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं आपके अगले वीडियोस में कुछ नए गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें आप खेल सकते हैं, जिसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे और इससे खेलने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा इस गेम से। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कुछ और रिलेटेड डाउट्स हो या कुछ आपको सुझाव हो जो मेरे चैनल को इम्प्रूव कर सकता है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।